हेलो नमस्ते जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल शेफ बाय हार्ट। मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त प्रियंका। आज मैं आपके लिए लेकर आ रही हूं भंडारे वाली कड़ी की रेसिपी। जी हां, आप सभी कड़ी घर में अक्सर बनाते ही रहते होंगे। मेरे घर में हर हफ्ते थर्सडे के दिन कड़ी बनती है, क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि ये साईं का प्रसाद होता है और सभी की ये इच्छा होती है, सभी को पसंद होती है वो भंडारे वाली कड़ी। तो आज मैं लेकर आई हूँ छोटी छोटी टिप्स के साथ आपके लिए भंडारे वाली कड़ी की रेसिपी, जिसका पकौड़ा बनने वाला है एकदम सॉफ्ट और कड़ी बनने वाली है बिल्कुल परफेक्ट और डिलीशियस। तो चलिए मेरे साथ मेरे किचन में शुरुआत करते हैं रेसिपी। पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इस बाउल में ले लिया है बेसन। आप अपने हिसाब से, अपनी मेजरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं, जैसी भी आपकी फैमिली है या जितने लोगों के लिए आप पकौड़े बनाना चाह रहे हैं। तो बेसन के साथ मिला लिया है मैंने यहाँ पर नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और मैंने ऐड किया है कसूरी मेथी। अगर आपके पास कसूरी मेथी अवेलेबल नहीं है तो आप उसकी जगह हरा धनिया भी यूज़ कर सकते हैं। ये है पानी। तो जब तक हमारा तेल हो रहा है गर्म, हम बना लेते हैं इसका एक अच्छा सा बैटर। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए पकौड़े का बैटर बनाना है। बैटर बहुत ही पतला नहीं बनना चाहिए, उससे क्या होगा कि आपके पकौड़े स्पॉन्जी नहीं बनेंगे, फैल जाएंगे वो। तो इसको जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से आप मिक्स कीजिए। अगर आप हाथों से कंफर्टेबल है तो अपने हाथों से मिक्स कर सकते हैं। मैं यहाँ पर चम्मच का यूज कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको ऐसे ऐसे फेंकते हैं। बेसन का बैटर लगभग इस कंसिस्टेंसी का हो गया है। अब मेरे पास यहाँ पर बचे हुए थे कुछ बॉइल्ड पोटैटोस, तो मैंने क्या किया है, मैंने उनको कस लिया है और मैं अब वो इसमें ऐड करने वाली हूँ। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, पर मेरे पास ये था और मुझे लगा कि इसका यूज़ कर लिया जाए, तो मैंने इनको अच्छे से ग्रेटर से ग्रेट किया और अब मैं इस बेसन के बैटर में इस आलू को मिला रही हूँ। ये देखिए बैटर कुछ ऐसा बन गया है। मैंने ये हाथ से ही मिक्स कर लिया और मैं पकौड़े भी हाथ से ही बनाने वाली हूँ। तो चलते हैं कढ़ाई की तरफ। पकौड़े तल रहे हैं, इनको आप मीडियम आंच पर भी पकाना, तलना, उससे क्या होगा कि पकौड़े अंदर तक अच्छे से पक जाएंगे। ये देखिए कुछ पकौड़े बन चुके हैं और देखने में ये आपको लग रहे हैं कि कैसे आड़े टेढ़े बने हैं, पर मैं आपको दिखाई देती हूँ एक। ये देखिए ये अंदर से कितना सॉफ्ट है, ये देखिए। कड़ी तलकर तैयार हो चुकी है। कड़ी बनाने के लिए मैंने इस डोंगे में ले लिया है 2 कटोरी बेसन। अब मैं इसमें धीरे धीरे मट्ठा ऐड करके इसका एक बैटर बना लेंगे। यहाँ मुझे रियलाइज़ हुआ अचानक कि मैं कितना बोलती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर साउंड म्यूट किया है, लेकिन फिर भी देखो मैं तो अभी भी बोल रही हूँ। कड़ी में छौंके के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये जीरा और मेथी, क्योंकि ये भंडारे वाली कड़ी है तो इसमें हम प्याज लहसुन का यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर आपके पास साबुत धनिया है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, उसकी भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। मैं सिंपल चीज़ों का ही तड़का लगाती हूँ कड़ी में। यहाँ ले रही हूँ 1 चम्मच हल्दी पाउडर,
और अब मैं ऐड करूंगी इसमें मेरा जो मैंने बैटर बनाया था, और उसी के साथ साथ मैं ऐड करूंगी इसमें पानी भी। तो ये मैंने ले लिया बैटर। लगभग एक जग के करीब इसमें पानी जाएगा। अब इस कढ़ी को उबलने देना है अच्छे से, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे पकौड़े। कढ़ी उबल रही है फ्रेंड्स, ये देखिए। यहाँ पर मैं आपको छोटी सी टिप देना चाहती हूँ कि जब आपकी कढ़ी में उबाल आना शुरू होता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि कढ़ाई से गिर जाती है कढ़ी, तो ऐसा ना हो इससे बचने के लिए जो आपके पास झरनी है या जिसे भी आप कढ़ी चला रहे हो उसे कढ़ी के अंदर इस तरीके से उल्टा करके रख दीजिए, उससे कढ़ी में उबाल आएगा लेकिन कढ़ी कढ़ाई से नहीं गिरेगी। अब कढ़ी थोड़ी सी कम हो चुकी है उबलते उबलते, अब हम इसमें ऐड करेंगे पकौड़ियाँ। पकौड़ियों को ऐड करने से पहले ये मेरी छोटी सी टिप है कि आप इसमें इस तरीके से थोड़ा सा छेद कर दीजिए, उससे क्या होगा जब आप कढ़ी में पकौड़ी ऐड करोगे ना तो कढ़ी इसके अंदर तक जाएगी और ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, जो खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगी। ऐसे तोड़ना नहीं है इसको, कड़ी में उबाल आ चुका है, पक चुके है वो। अब हम इसमें लगाएंगे जीरा, साबुत मिर्च और हल्का सा देगी मिर्च का तड़का। तो दीजिए, तैयार है आपके सिंपल भंडारे वाली कड़ी शेफ प्रियंका के स्टाइल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, सब्सक्राइब शेफ बाय हार्ट। जय हिंद। ये देखिए, मैं आपको पकौड़ा दिखा देती हूँ कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए।